छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पैसेंजर लोकल और मेमू ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन के नाम पर एक्स्ट्रा किराया नहीं लिया जाएगा। SECR बिलासपुर डिवीजन के DRM ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश कर कहा कि पैसेंजर मेमू ट्रेनों में कोई स्पेशल चार्ज नहीं वसूला जाएगा। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर लोकल मेमू ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू करने की भी जानकारी दी। दरअसल चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में उस जनहित याचिका की सुनवाई हुई जिसमें कोरोना काल के बाद से रेलों के अव्यवस्थित परिचालन और पैसेंजर ट्रेनों के बदले स्पेशल गाड़ियां चलाने और लेट लतीफी को मुद्दा बनाया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से एडवोकेट रमाकांत मिश्रा ने जानकारी दी थी कि सभी पैसेंजर ट्रेनों को नॉर्मल ट्रेन के रूप में चलने का आदेश हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी भी पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेनों के सामने नंबर बतौर 0 लगा स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। ज्यादा किराया भी वसूल किया जा रहा है। इस पर डिवीजन बेंच ने DRM को शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।